राम जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। यहाँ उदास होने की कोई बात नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का बेसब्री से भूखे प्यासे अपने कथा पिंडाल में इंतजार कर रहे हैं गुरुदेव का। जी हाँ, लोगों ने, भक्तों ने, कुछ लोगों ने गुरुदेव के दर्शन करे बिना जल नहीं पियेंगे, कुछ खाएंगे नहीं। ठंड का मौसम है, आपको पता ही है, भारत के दक्षिण दिशा में बागेश्वर धाम सरकार का, तमिलनाडु में श्री लंका कांड से श्री हनुमत कथा का और राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर शिवलिंगों का भी निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या के में राम मंदिर स्थापित हो रही है। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का आप लोग यूट्यूब पर बार बार जा रहे हैं, लाइव कब आएंगे गुरुदेव ये देखने के लिए कि गुरुदेव की हम कथा सुनेंगे। मगर परंतु गुरुदेव आने का, लाइव आने का इंतजार में आप लोग देख ही रहे हैं, कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लाइव नहीं आ पाए। परंतु परम पूज्य गुरुदेव लाइव कब आएंगे मैं आपको बता चलूँ। गुरुदेव की गाड़ी अभी 15-10 मिनट में गुरुदेव की गाड़ी कथा पिंडाल की ओर निकल चुकी है और पहुंचने वाले हैं। वहाँ पर भव्य स्वागत किया जाएगा कथा पिंडाल के, और उसके बाद कथा मंच पर बैठेंगे, आरती करेंगे, पूजा वंदना करेंगे, कथा स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को सभी को श्री हनुमत कथा की चौपाइयों के द्वारा हनुमत कथा सुनाई जाएगी, राम कथा सुनाई जाएगी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ऑप्शन जय श्री राम जय हिंदू राष्ट्र की जय लिखें, और सनातनी हो तो गर्व से लिखें, ना तो लिखना मत ना जय श्री राम, और सनातनी हो तभी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ना, ना तो मत जुड़ना जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार के, क्योंकि सनातनियों के लिए है ये, बागेश्वर धाम सरकार के शिष्य मंडलियों के लिए है। जय श्री राम जय बागेश्वर धाम, श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। यहाँ उदास होने की कोई बात नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का बेसब्री से भूखे प्यासे अपने कथा पिंडाल में इंतजार कर रहे हैं गुरुदेव का। जी हाँ, लोगों ने, भक्तों ने, कुछ लोगों ने गुरुदेव के दर्शन करे बिना जल नहीं पियेंगे, कुछ खाएंगे नहीं। ठंड का मौसम है, आपको पता ही है, भारत के दक्षिण दिशा में बागेश्वर धाम सरकार का, तमिलनाडु में श्री लंका कांड से श्री हनुमत कथा का और राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर शिवलिंगों का भी निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या के में राम मंदिर स्थापित हो रही है। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का आप लोग यूट्यूब पर बार बार जा रहे हैं, लाइव कब आएंगे गुरुदेव ये देखने के लिए कि गुरुदेव की हम कथा सुनेंगे। मगर परंतु गुरुदेव आने का, लाइव आने का इंतजार में आप लोग देख ही रहे हैं, कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लाइव नहीं आ पाए। परंतु परम पूज्य गुरुदेव लाइव कब आएंगे मैं आपको बता चलूँ। गुरुदेव की गाड़ी अभी 15-10 मिनट में गुरुदेव की गाड़ी कथा पिंडाल की ओर निकल चुकी है और पहुंचने वाले हैं। वहाँ पर भव्य स्वागत किया जाएगा कथा पिंडाल के, और उसके बाद कथा मंच पर बैठेंगे, आरती करेंगे, पूजा वंदना करेंगे, कथा स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को सभी को श्री हनुमत कथा की चौपाइयों के द्वारा हनुमत कथा सुनाई जाएगी, राम कथा सुनाई जाएगी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ऑप्शन जय श्री राम जय हिंदू राष्ट्र की जय लिखें, और सनातनी हो तो गर्व से लिखें, ना तो लिखना मत ना जय श्री राम, और सनातनी हो तभी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ना, ना तो मत जुड़ना जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार की, क्योंकि सनातनियों के लिए है ये, बागेश्वर धाम सरकार के शिष्य मंडलियों के लिए है। जय श्री राम जय बागेश्वर धाम।